मोदी साहब, हम आपसे इतना कह सकते हैं, इतना मजबूर है पाकिस्तान में, मगर इधर जो है वो बहुत दुख है हमारे को। कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं कुछ मोदी साहब हमारे को दिखने में आता है। जो दिखने में आ रहा है सर मोदी साहब तेरे पास दिखने में आ रहा है। हम अपनी जिंदगी आप बोलेंगे तो हम लिख कर भी देंगे, फौरन चाहिए तो हमारे को इधर से लेके जाओ, अपने मुल्क में लेके जाओ, उधर हम आपकी दुख होता है, बड़ा दुख होता है। आपकी मेहरबानी हो सकते है जितनी, हमारे को इधर से पाकिस्तान में ले जाओ, पाकिस्तान से ले जाओ, मोदी साहब ले जाओ, बिल्कुल हम उधर खुश रहेंगे, आपकी बुराई करते रहेंगे तो हमारे को दुख नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं। तो इधर हम दुकान नहीं निकाल सकते हैं, पकौड़े नहीं बेच सकते हैं, फालसी नहीं बेच सकते हैं, मगर बर्फ भी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं खाते आपके हाथों का खाना पीना, नहीं खाते खाना पीना, नफरत बड़ी करते। सर आप तो नफरत तो नहीं कर सकते है ना, सर आप तो इतना कर सकते है जो हम आपके बच्चे हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे से तावन कर सकते हैं। आप ले जाएंगे तो हम तावन करेंगे, बिल्कुल हमारे को ले जाओ। इंडिया में हम बहुत खुश हैं रहने के लिए, खाने में, और तुम्हारे दुआ से हम उधर आगे बढ़ेंगे। इधर तो जुलम है हमारे साथ, ये पाकिस्तान में पानी का मना है, हमारे कटोरे बनाते हैं वो नहीं लेते, मना है। और रोटी जो होटल निकालते हैं वो नहीं निकालने देते। जो भी है खाने पीने का कारोबार वो सर नहीं निकालने देते, बाकी ये करने देते हैं जो 5,000, 6,000, 7,000 रुपया तनख्वाह दे एक महीने, यानी गुलामी करो। हाँ, गुलामी करो। अगर हम ये कहने चाहते हैं 6,000 का 8,000 में गुलामी में, मगर हमारे तक खाना भी पूरा नहीं होता, इसी वजह से। और हम कहने चाहते हैं बस मोदी साहब सर जो आपको दिखने में आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बात हो सकते हैं, इधर भी सच होगा आपके पास जिंदगी। हम तो मेरे इस वीडियो दिखाने से अगर किसी का दिल दुखाओ, किसी को किसी बात प्रकार की ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। मेरे वीडियो दिखाने का सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा तात्पर्य यह था कि अगर किसी का भला हो जाए तो भलाई करने में कोई बुराई नहीं है। जहां पर देश में 10 लोग 10 परिवार जी रहे हैं, वहीं पर एक परिवार और सही। मेरे एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि इंडिया में का हर धर्म के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और वहां पर लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा वीडियो ये नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो कि हमें यहाँ से निकाल लो। जबकि इंडिया में अगर किसी प्रकार की बात होती है, राजनीति तो उससे बहुत ज्यादा होती है, सबको पता है, किसी प्रकार की बात होती है तो लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, यानी सरकार से, हुकूमत से, हर तरफ से लड़ लेते हैं। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई कि कोई दूसरे देश का आदमी दूसरे देश को बोले कि आप हमको लेकर जाओ, है ना। तो भाई मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन जो दिखाया है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप कहीं पर भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप जो लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अब आप लोगों को 2-3 अपडेट में सऊदी अरब की बता दूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो से अपडेट को भी आप लोग जान लीजिए, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर जो लोग इस समय में सऊदी अरब आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शो करूंगा मैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। एयरलाइंस ने 19 मई तक सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है, और इसके लिए कौन सी एयरलाइंस है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। गो फर्स्ट की एयरलाइंस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया था कि 12 मई तक इन लोगों ने रद्द किया था फ्लाइटों को, अभी इन लोगों ने बढ़ाकर 19 मई तक कर दिया। अब आज है 12 मई, तो 12 मई को इन लोगों ने कैंसिल करके 19 मई तक कर दिया। इनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है ये तो मालिक ही जाने, लेकिन जिनका टिकट हो चुका था या जिनको इसे सफर करना था उनके लिए काफी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जिन भाइयों का टिकट वगैरह हो गया था तो उनको रिफंड लेने में हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वो कोशिश करें कि उस ऑफिस में जाकर के अपना रिफंड ले या फिर टिकट को आगे बढ़वा ले अगर समय हो उनके पास तो। अब दोस्तों एक अपडेट है सऊदी News24 के तरफ से, यहाँ पर दिखाया गया है, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। जितने भी भाई हमारे सोशल मीडिया चलाते हैं उसके तरफ से आप अपडेट कोई ना कोई करते रहते, जैसे कि हम भी यूट्यूब पे भी करते हैं, टिकटॉक पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह करते हैं। तो सऊदी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अपडेट दिया है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस की तरफ से एक वार्निंग दी गई है कि अगर कोई भी बंदा फेक न्यूज बता रहा है या फेक अपडेट दे रहा है, किसी को डरा रहा है, तो उसके लिए यहां पर 5 साल की जेल और 3 मिलियन रियाल का जुर्माना कर दिया जाएगा। भाई तो कोई भी काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचें, क्योंकि इससे आपको और आपके पूरी फैमिली को दिक्कत हो सकती है। अब ये लोग करें, इनसे हमें इतना वो नहीं है,
लेकिन अगर हमारे जितने भी अजनबी भाई हैं तो भाई कोई भी मतलब गलत अपडेट मत देना। एक अपडेट दोस्तों और है यहां पर, जहां पर जिद्दा के कोर्ट ने 80 साल की सजा 18 लोगों को दी है, 8 टाइप अलग अलग कैटेगरी के लोगों को। अभी लोग कौन कौन थे, किस तरीके से थे, क्यों थे, इसको भी डिटेल से आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहां पर क्रिमिनल कोर्ट इन जिद्दा ने इशू किया 80 साल की जेल 18 ऐसे लोगों को, मेल और फीमेल यानी औरत और मर्द थे सब मिला करके। यहां पर 8 टाइप की यानी 8 टाइप में लोग जो है वैल्यूएशन कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने क्या क्या बताया है कि बिजनेसमैन में, मर्चेंट में, मार्केटिंग में, डायरेक्टर, स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग होम के लिए, फार्मेसी के लिए, इन सब जगहों के लिए इन लोगों ने जो है अलग से जालसाज बना रखा था और ड्रग की तस्करी भी कर रहे थे। तो इस तरीके से यहां पर 18 ऐसे लोगों को 80 साल की सजा हुई है। भाई ये तो मतलब उम्र ही खत्म है, कोई मतलब ही नहीं जानेगा। अब सरकार रहम खा ले या कोई गवर्नमेंट इनको निकलवा दे, कुछ भी हो तो एक अलग चीज है। तो कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको और आपके फैमिली को किसी को कोई दिक्कत हो। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज यार भाई एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।